हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मिट्स क्रिएटिव। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम डायरेक्शन और गाइडेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। डायरेक्शन और गाइडेंस क्या होती है इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और इसके करेक्टरिस्टिक्स भी उसमें बताए गए थे। बेसिकली एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि डायरेक्शन और गाइडेंस क्या होती है। डायरेक्शन और गाइडेंस का मतलब होता है किसी को राह दिखाना, किसी को दिशा दिखाना, किसी को वे शो करना ताकि वो एक सही पाथ पे या सही रास्ते पर चल सके। और बेसिकली गाइडेंस की सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए जो गाइडेंस होती है वो आपके आपको टीचर्स दे सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स दे सकते हैं, या काउंसलर दे सकते हैं जो बेसिकली जिन्होंने काउंसलिंग का कोर्स किया होता है। उसके बाद में हम चलते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस जो है डायरेक्शन और गाइडेंस का वो आता है सोशल कॉम्प्लिकेशन। अब इस टॉपिक के अंदर क्या है कि सोसाइटी इज़ एवर चेंजेबल, हमेशा सोसाइटी चेंज होती है, ये स्टैटिक तो होती नहीं है। सोसाइटी में कितने सारे चेंजेस चलते रहते हैं। इन द प्रेजेंट एरा देयर आर ग्रेट चेंजेस, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे चेंजेस हमारे सोसाइटी में हो रहे हैं। ड्यू टू चेंजेस द फॉर्म ऑफ सोसाइटी इज़ बिकम कॉम्प्लिकेटेड। और इन चेंजेस की वजह से जो टाइम टू टाइम हमारी सोसाइटी में ऑकर होते रहते हैं उस वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट एवरीवन डज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट। और हर एक इंसान के पास जो है वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो उन चेंजेस को समझ सके जो सोसाइटी में हमारे आ रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लिकेटेड एंड चेंजिंग सोसाइटी। तो सोशल कॉम्प्लिकेशन के लिए डायरेक्शन और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो आप जो भी चेंजेस आपकी सोसाइटी में टेक प्लेस कर रहे हैं उनको आप समझ पाते हैं आसान तरीके से। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस टेक प्लेस करते हैं वो हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपल्सरी एजुकेशन। इंडिया इज़ अ पब्लिक वेलफेयर रिपब्लिक कंट्री है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के लोगों के लिए। सो एजुकेशन इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीज़न। सिर्फ इंडिया ही नहीं, हमारे पूरे देश में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर एक सिटीज़न जो होता है कंट्री का उसको एजुकेटेड होना ही चाहिए। और हर एक इंसान के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, कम से कम ग्रेजुएशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंस विद द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, और इसीलिए जो एक्सपेंशन जो है एजुकेशन एक्सपैंड होता चला जा रहा है, प्रॉब्लम्स जो हैं एक्सट्रावेजेंस की एंड मैनी सोशल हर्डल्स जो हैं वो आ रहे हैं, पुट स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इन एजुकेशनल प्रोसेस। वो हर्डल की तरह ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं हमारे एजुकेशन प्रोसेस में। गाइडेंस इज नीड ऑफ द आर फॉर प्रॉपर एजुकेशनल एक्सपेंशन। तो गाइडेंस अगर आपको मिलती है अच्छी, और प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एजुकेशन आपको मिल रही है, प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिल रही है, तो आप अपने एजुकेशन को ज़्यादा अच्छे वे में एक्सपैंड कर सकते हैं। कंपलसरी एजुकेशन के लिए अच्छी गाइडेंस मिलना और अच्छा डायरेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में कंपलसरी है एजुकेशन। और एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है और एक्सपेंशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डाइवर्सिफिकेशन इन वर्क। एवरी स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। हर एक बच्चे के कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, उसके इंटरेस्ट, उसके एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। एवरी पर्सन लाइक टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। हर एक बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क इज़ नॉट ओनली ऑब्स्टिकल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अगर एक बच्चे का जो वो काम कर रहा है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक
ऑब्स्टैकल ही नहीं बनता है, एक हर्डल ही नहीं बनता है, बट वो बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है. सो थ्रू सर्विसेज स्टूडेंट्स आर गिवन इंफॉर्मेशन, और सर्विसेज की वजह से बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी. अगर मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है तो आप अपने इंटरेस्ट, अपने कैपेबिलिटीज़ को समझ पाते हैं, और जो काम आप कर रहे हैं उसको भी आप अच्छे से कर पाते हैं. उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है फैमिली फेलियर्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस. फैमिली बहुत ज़्यादा फेल हो जाती है गाइडेंस प्रोवाइड कराने में. इन द ओल्डन टाइम्स चिल्ड्रन यूज टू लर्न कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइफ. पुराने समय में बच्चों को लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया जाता था, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जाता था, उनकी फैमिली ड्यूटी के बारे में बताया जाता था फ्रॉम द ओल्ड पर्सन्स ऑफ द फैमिली. लेकिन प्रेजेंट एज में क्या है, कस्टम ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज़ हो रहा है. अब न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, जॉइंट फैमिलीज रह नहीं रही हैं क्योंकि पेरेंट्स आर बिजी इन देयर ओन प्रोफेशन. क्योंकि पेरेंट्स काम करते हैं, वो अपने प्रोफेशंस में बिजी रहते हैं और जॉब्स में बिजी रहते हैं, तो सो टू एजुकेट चिल्ड्रन फैमिली कॉम्प्लिकेशंस. और इसीलिए बच्चों को वो अच्छे से एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं और ये फैमिली कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं. एंड टीच देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी मदद नहीं कर पा रहे हैं. ऑफ द डायरेक्शन सर्विसेज आर नीडेड. इसीलिए ये सर्विसेज ज़रूरी हैं कि बच्चों को प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, क्योंकि फैमिली तो फेल हो रही है प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड कराने में. और इसी वजह से अगर आप एक काउंसलर की प्रॉपरली, काउंसलर जो है वो काउंसलिंग करता है बच्चों की, या फिर एक टीचर के थ्रू प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन मिल रही है बच्चे को, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद में हमारे पास आ जाता है पर्सनल डाइवर्सिटी. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है. इवन दो जो बच्चे होते हैं एक मदर के, उनके भी अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो सिबलिंग्स हों, भाई बहन हों या जुड़वा बच्चे हों. डिफरेंट उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी होती है. सो ड्यू टू पर्सनल डाइवर्सिटी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, ताकि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. तो इसलिए भी जो डायरेक्शन है, गाइडेंस है, वो ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, उसकी कैपेबिलिटीज़, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स भी अपनी लाइफ में अलग अलग फेस करने पड़ते हैं. तो उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, जो कि है चेंज इन एम्स ऑफ एजुकेशन. आज के टाइम में एजुकेशन के एम्स भी चेंज हो गए हैं. द मेन एम ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन क्या हो गया है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, मतलब सर्वांगीण विकास करना बच्चे का आज के एजुकेशन का एम है. पहले क्या होता था, एजुकेशन सिस्टम टीचर के ऊपर फोकस करता था, लेकिन आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चे के ऊपर फोकस करता है. द एम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एम ऑफ ओल्ड टाइम्स. आज का एम पुराने एम से बहुत ज़्यादा अलग है. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स आर नॉट एबल ऑफ ओल्डन टाइम्स. पुराने टाइम्स के जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं वो अब नहीं रहे हैं. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू एडजस्ट देमसेल्फ विद द सिचुएशन. इसीलिए आज का टाइम बदल गया है और पेरेंट्स और बच्चों का आज के टाइम में अपने सिचुएशन में एडजस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. दिस वर्क कैन ऑल्सो बी कम्प्लीटेड थ्रू डायरेक्शन सर्विसेज. इस काम को बच्चों को प्रॉपरली डायरेक्शन देके, गाइडेंस देके सही किया जा सकता है, एंड बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी. दिस चेंज कैन बी ब्रॉट ओनली व्हेन स्टूडेंट्स गेट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू एम्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एजुकेशन. और ये चेंजेस बच्चों में और उनके पेरेंट्स में कब लाए जा सकते हैं, ये तभी लाए जा सकते हैं जब उनको प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडेंस मिले, मतलब उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले जो भी नए एम्स और प्रोसीजर्स हैं एजुकेशन के उसके बारे में. उसके बाद है हमारे पास एन ईरा ऑफ एजुकेशन. अभी तो एरा है ऑफ एजुकेशन का. टुडे एवरी पर्सन इज़ एम्बिशियस. हर एक इंसान के सपने होते हैं, बड़ा बड़ा हम सोचते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं. एट द टाइम ऑफ एम्बिशंस ही फॉरगेट्स द लेवल एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी. हम सपने तो बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा लेवल क्या है, हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है. टुडे हर एक
आज के टाइम में हर एक इंसान IAS, RAS, डॉक्टर, इंजीनियर, MLA, MP बनना चाहता है, लेकिन उसकी एबिलिटी क्या है ये तो उसको पता ही नहीं है। दिस क्वेश्चन नेवर अराइजेज इन हिज माइंड, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं है। एज अ रिजल्ट, डायरेक्शन सर्विसेज आपको प्रॉपरली गाइडेंस दे सकते हैं आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी और लेवल के बारे में, और फेलियर्स के बारे में भी जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं आपके कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ ना होने के कारण। तो इसीलिए प्रॉपर एजुकेशन के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है नीड अ लीडरशिप। एवरी सोसाइटी इज़ नीडेड लीडरशिप, हर एक सोसाइटी को एक लीडरशिप चाहिए होती है। एवरी पर्सन डज नॉट हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, और हर एक इंसान में तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती नहीं है। अ कैपेबल पर्सन कैन लीड द सोसाइटी, और लीडर कौन बन सकता है सोसाइटी का, जो बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है, जिसमें कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है। सो ओनली थ्रू डायरेक्शन एबल पर्सन्स को हम चूज़ कर सकते हैं जो हमारी सोसाइटी को गाइड कर सकते हैं। सो डायरेक्शन एंड गाइडेंस इज़ वेरी मच नीडेड एंड इट हैज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर सो मैनी थिंग्स। उसके बाद में हमारे पास पॉइंट आता है पर्सनल प्रॉब्लम्स। सिंस बर्थ टू डेथ मैन जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करता है, हम भी फेस कर रहे हैं, हर एक इंसान फेस करता है। इन चाइल्डहुड ही वीप्स व्हेन ही फील्स हंग्री, वो रोने लगता है, एंड हिज मदर फीड्स हिम। जब बचपन में बच्चा जब भूखा होता है तो वो रोने लगता है और उसकी मदर जो है वो उसको फीड कर देती है, खिला देती है। इन द सेम वे एवरी पर्सन लाइज पर्सनल फैमिली रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट लेवल। हर एक इंसान की बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके पर्सनल फैमिली रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। प्रॉपर डायरेक्शन कैन गाइड हिम टू नो हिज प्रॉब्लम। अगर आप एक बच्चे को, एक पेरेंट को प्रॉपरली गाइड करते हो, एक इंसान को प्रॉपरली गाइड करते हो, तो उसको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है एंड वो बेटर पर्सन बन सकता है एंड मेक हिम कैपेबल टू फाइंड सोल्यूशंस हिमसेल्फ। वो अपने आप सोल्यूशंस अपने प्रॉब्लम्स के फाइंड कर सकता है थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा।